अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द डिसाइल्स ऑफ डेटा। तो ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा गिवन है, ठीक है। मीडियन के लिए, क्वार्टाइल के लिए भी हमने यही डाटा यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास लिमिट्स गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है। इन क्लास लिमिट्स को हमने चेंज करके क्लास बाउंड्रीज बना लिया था, और इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हमने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली था। तो इतना डाटा परसेंटाइल, डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स, मीडियन, ये सब में ये बार बार यही यूज़ होता है क्लास बाउंड्रीज, सीएफ और फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हमने इसको पहले ही मैनेज कर लिया। तो डिसाइल्स में हम बेसिकली करते क्या हैं कि 9 वैल्यूज डिवाइडिंग द डाटा इंटू 10 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज डिसाइल्स। सो यहाँ पर देखिए, हम कैलकुलेट करें D3 को। तो D1 से D9 तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल 9 वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने लिया है D3, बाकी भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें चेंज क्या आएगा, जैसे यहाँ पे D3 है तो यहाँ पे 3 है। आप यहाँ पे जो चेंज करेंगे, D4 करेंगे या 5 करेंगे तो यहाँ भी 4 5, यहाँ पे D7 करते हैं तो 7n/10 हो जाएगा। 10 से हम डिवाइड करते हैं क्वार्टाइल में 4 से, डिसाइल्स में हम 10 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, एन इसमें 35 रिप्लेस किए, 35 ये फ्रिक्वेंसी थी टोटल फ्रीक्वेंसी का। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 10.5 वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आगे सारा का सारा सॉल्यूशन का मेथड वही है जो आपने मीडियन में किया, जो क्वार्टाइल में किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10.5 तो यहाँ से ढूंढेंगे 10.5 कहाँ पे आता है। तो ये हमारे पास ये 14 वाली क्लास बनती है, इस क्लास को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास ये 10.5 आया था तो वो इस क्लास में लाइक करते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। इस क्लास से प्रीवियस वाली वैल्यू कैपिटल एफ, यहाँ से आपके पास 20.5 ये एल आ जाएगा और F7 आ गया आपके पास, और जो सी है वो आपके पास डिफरेंस जो है वो 10 होता है। ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, D3 इक्वल्स टू एल प्लस सी ओवर एफ 3n/10 माइनस, ठीक है जी, 3n/10 माइनस एफ। एफ़ की वैल्यू आपने भी कैलकुलेट की, वो देखी थी वहाँ पर 7 थी, 3n/10 ये यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, ये 10.5 आ गया। सी 10 है, एफ़ इसमें 7 है, एल की वैल्यू 20.5 है, ये सारा उसी तरीके से कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25.5, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने D3 कैलकुलेट किया, आप D4 5 6 7 8 9 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, D9 तक, ठीक है। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं परसेंटाइल, और परसेंटाइल के बारे में क्या कहा जाता है जी, 99 वैल्यूज़ डिवाइडिंग द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज परसेंटाइल्स। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेम डाटा है, क्लास लिमिट्स हैं, फ्रिक्वेंसी है, क्लास लिमिट्स हमें क्लास बाउंड्रीज बनाई है, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई हमने फ्रिक्वेंसी से। फ्रिक्वेंसी का टोटल हमारे पास 35, ये सेम वही डाटा है जो हम पिछले सवाल में भी यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमें क्वार्टाइल, मीडियन और डिसाइल्स कैलकुलेट किए। यहाँ पे हम कैलकुलेट करें P67, 67th परसेंटाइल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटाइल को P से शो किया है। तो 67n/100, क्योंकि टोटल 100 वैल्यूज है तो 100 से डिवाइड करेंगे, n 67n/100th वैल्यू इसको फाइंड किया 35 रिप्लेस करके, तो आपके पास आ जाएगा 23.45। बाकी प्रोसीजर सारा वही है, हम इस वैल्यू को देखेंगे ऊपर CF में। तो CF में हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 27 वाली क्लास आ जाती है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट L आ जाएगा, ये F आ जाएगा और ये कैपिटल F आ जाएगा, और C हमारे पास होता है 10, जो हमने यहाँ से माइनस करके देखा हुआ है, क्योंकि सेम डाटा है इसलिए मैं उसको बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा, अदरवाइज आपको हर दफ़ा देखना पड़ता है, हर दफ़ा डाटा सेम तो नहीं रहता। तो हमारे पास क्योंकि सेम डाटा है इसलिए सी 10 है, तो सी चेंज भी हो सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्मूला था, एल प्लस सी ओवर डिवाइडेड बाई 67n/100 इंटू एफ। एफ हमने यहाँ से देखा था 14 और स्मॉल एफ 13, तो ये 14 आ जाएगा इसकी जगह पर, इसकी जगह पर 13, एन आपके पास ये जो सी है वो 10 है, और ये वाली वैल्यू 23.45 ये हमने कैलकुलेट की थी, और लोअर लिमिट हमारे पास 30.5। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपली, आपके पास आएगा 37.6769।
इस क्लास में देखें ये 37 पॉइंट जो भी हमारे पास वैल्यू इसी क्लास में आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था P67। आप इसके अलावा P1 से लेकर P99 तक कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो P50 है, P50 वो बेसिकली Q2 के बराबर होता है, क्वार्टाइल के सेकंड क्वार्टाइल। और जो D5 है वो भी सेकंड क्वार्टाइल के बराबर होता है। और D5 और P50 और Q2 ये सारे आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वो सारे सारे क्वार्ट वो मीडियन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।